guys, today we are starting the mathematics book of class 9. तो आज हम class 9 का mathematics का पहला series start कर रहे हैं. तो आज हम पढ़ेंगे first chapter, chapter number 1, जिसका नाम है number system. और इसका जो पहला exercise है, exercise 1.1, इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए. आप क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपका बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए. क्वेश्चन ये है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब इसमें पूछा है कि आपको क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम जीरो को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू जो है एक इंटीजर होगा और क्यू जीरो का बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका आंसर मैंने बढ़िया से लिखा हुआ है. देखिए, हाँ, जीरो जो है एक रैशनल नंबर हो सकता है. ठीक है, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q is not equal to 0. Examples are given as follows. 0, देखो ये कैसे हो सकता है. अगर आपका मन में एक डाउट हो रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलना 0 ही मिलता है हमको. जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं 0, 0 इक्वल टू 0/1. अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी हमको 0 ही मिलेगा. ठीक है, अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको आंसर 0 ही मिलेगा. 3 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. तो इस तरह से 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी 0. तो इसीलिए हम 0 को रैशनल नंबर हम कह सकते हैं. तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का. इसमें पूछा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. मतलब 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर ढूंढना है. देखिए, इसका दो तरीका है, जहाँ तक मुझे पता है रैशनल नंबर निकालने का दो तरीका है. एक तरीका तो आपका बुक में दिया गया है, तो एक में सिंपल सा तरीका है, मैं आपको उस तरीका से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 और 4 का बीच का हम लोग को रैशनल नंबर निकालना है 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे